गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन जानते हैं कि टू प्रूव मेटल्स गेट हीट बाय द कंडक्शन, यह कंडक्शन और प्रोसेस के थ्रू हीट का कैसे अपन इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है। जैसे इसने एक टेबल ले लिया, इस टेबल के ऊपर एक ब्रिक की हेल्प से अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक मतलब कि स्केल टाइप का वो कंडक्टर का ले लिया। अब दूसरे एंड को अपन जैसे देखो, एक एंड को हीट कर रहे हैं, तो इसमें जो पिंस बॉल्स है, ठीक है, इसके अंदर भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन और ये सारे पिंस बॉल्स को हमने इसमें से लगा रखे हैं एक बर्नर के, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, घर में यूज होते हैं मॉम, जानते हो, ठीक है, तो वो एक फिक्स थ्री द पिंस द हेल्प ऑफ वैक्स, वैक्स के थ्रू अपन इसको में होल्ड कर रखें। अब एक एंड को अपन गर्म करेंगे तो बैक्स क्या होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये तो स्केल तो कंडक्टर है, तो जैसे ही इसमें हीट ट्रांसफ़र होगा तो वो वैक्स पिघलता जाएगा और वो क्या करेगा, जो इसके अंदर पिन लगे हुए हैं वो नीचे ड्रॉप होते चले जाएंगे, ठीक है। उस एक्टिविटी के अंदर अपन को यही बता रखे हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ से देखो, दोनों साइड से अपन इसमें इस एक्टिविटी के अंदर क्या रखें, तो दोनों में क्या करेगा, एक गुड कंडक्टर, एक आयरन का रोड ले लिए, एक कॉपर का रोड ले लिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि इसमें से कौन जल्दी, इसमें से जो जल्दी इसमें से एक्सपेंशन दे देगा वही अपना क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। वो उनके कंपेरिजन कर रहे हैं आयरन और कॉपर के बीच में। उसके बाद अपन कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर्स, इसके क्या होते हैं, तो इसमें अपन कहते हैं कि बैड कंडक्टर्स हेल्प इन कन्वर्जिंग एनर्जी इन अ स्टीम सिस्टम। इसके अंदर कहते हैं जैसे ग्लास वूल, वूल कॉटन, फेल्ट, ग्लास स्लैग, वूल एब्स्टर्स, इंक्लोज्ड एयर, ठीक है, वैक्यूम एक्सेट्रा आर द कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल्स अवेलेबल। कहता है कि वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज वुलन आर्म कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर, ठीक है, सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, इसलिए कहते हैं इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू फ्लो आउटवर्ड, वो बाहर नहीं जाने देता, इसलिए अपन को गर्म महसूस होती है, फील वार्म कहते हैं, ठीक है। अब पता है कि टू थिन वुलन ब्लैंकेट्स आर वार्म देन थिक वुलन ब्लैंकेट्स बिकॉज देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द थिन ब्लैंकेट्स, ठीक है, ये चीज़ें अपन को बच्चों ध्यान में रखना है। आप कहते हैं इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट वी वियर अ नंबर ऑफ गारमेंट्स इन विंटर सच एज अंडर शर्ट्स, शर्ट, स्वेटर, कोट्स एक्सेट्रा रेदर देन वन थिक गारमेंट्स बिकॉज एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर विच आर ट्रैप्ड बिटवीन वेरी एवरी टू गारमेंट्स एक्ट एज अ इंसुलेटर। जैसे अपन दो ले लेंगे तो लेयर बढ़ जाएगा, लेयर बढ़ेगा तो वही एयर का जो है मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, तो इसीलिए अपन वहाँ पे इन चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर अपन को कह रखा है कि बर्ड्स पफ ऑफ देयर फीदर्स इन विंटर बिकॉज इन डूइंग सो दे ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर विच इन टर्न एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ देयर बॉडी हीट टू फ्लो आउट, ठीक है। जैसे अपन के बर्ड्स के अंदर जो है वो पफ बने हुए होते हैं और वो फीदर्स के, ठीक है, वो क्या करता है, उसको क्या करता है, ढक के रखता है, जिसके कारण उसके जो अमाउंट ऑफ एयर जो है उसके अंदर जा नहीं पाता है और दूसरी चीज़ें जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो भी उससे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। इससे अपन को जैसे ही अपन को चार नंबर तक हो गए, ठीक है, उसके बाद अपन इसमें कहते हैं फिफ्थ नंबर कि इस्किमोस मेक इग्लूज आउट ऑफ स्नो। जैसे जो अपन को बर्फ वाले एरियाज़ होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर साइड के जो एरियाज़ होते हैं, लद्दाख साइड के एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे अपन को ये चीज़ें इग्लूज टाइप के घर बने हुए देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो उस सब का अपन भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चों।